हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन। होम्स किचन में आपका स्वागत है। आपका कभी भी जलेबी खाने का मन हुआ ना, तो आप ये जलेबी घर पे ज़रूर बनाएं। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंस्टेंट सूजी की जलेबी। और जो जलेबी बनी है ना, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनी है, कोई बोलेगा ही नहीं। इसे हमने घर पे बनाया है। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हुई ना, तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लो। तो फाइन सूजी हमें यूज़ करनी है। उसके साथ मैंने लिया 1 कप शुगर, दही लिया है और मैदा हम यूज़ करने वाले हैं 3 टेबलस्पून। इतना ही मैदा आपको चाहिए। उसके साथ मैंने लिया है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। बाउल में ऐड करने वाली हूँ दही, उसके साथ थोड़ा सा पानी, और दही को हम अच्छी तरह से बीट करने वाले हैं। उसमें ऐड करने वाली हूँ बारीक वाली सूजी और मैदा। यहाँ पे आपको जो बैटर बनाना है ना, थोड़ा ठीक ही रखना है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारी जलेबी अच्छी तरह से बनेंगी नहीं। बैटर बनने के बाद बैटर को हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, क्योंकि सूजी है ना तो थोड़ा फूलेंगी, तो उसे फूलने के लिए हम टाइम देने वाले हैं। 15 से 20 मिनट के लिए भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका एक बैटर बना लेती हूँ। बैटर में मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा रेड फूड कलर, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। बैटर हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो पैन में डाल रही हूँ शुगर, जितना शुगर लिया है ना उतना ही पानी हमें ऐड करना है। उसके हम चाशनी बनाएंगे, लेकिन चाशनी हमें पतली ही चाहिए। चाशनी हमारे रेडी हो चुकी है, तो इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 लेमन का जूस, और मिक्स कर लेंगे। पंद्रह से बीस मिनट हो चुके हैं, जो हमारा बैटर है ना वो भी सेट हुआ है। उसमें ऐड करने वाले हैं बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा पानी, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए एक पाइपिंग बैग, जो हम केक कि आइसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही बैग यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो दूध का जो खाली पैकेट होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बॉटल जिसे हम जलेबी बनाते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। इसे मैं रख रही हूँ ग्लास में। इसमें हम ऐड करने वाले हैं हमारा बैटर, और बैटर डालने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। पैन में ऑयल डाला था जलेबी फ्राई करने के लिए। यहाँ पे आप पैन का ही यूज़ कीजिए, इससे जो जलेबी है ना अच्छी तरह से फ्राई भी होती है, और हम इसे आसानी से बना भी सकते हैं। आप देख सकते हो कितने आसानी से हमारी जलेबी बन रही हैं। तो इसी तरह से सब जलेबी मैं बना लूँगी, और इसे हम क्रिस्पी होने तक 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये 3 से 4 मिनट में आसानी से फ्राई हो जाती हैं। एक साइड से जो हमारे जलेबी है ना फ्राई हो चुके हैं, हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। जलेबी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हुई और बहुत क्रिस्पी भी हुई है। हम इसे गर्मा गर्म ही गर्म चाशनी में डालने वाले हैं। इससे क्या हुआ, जो हमारी जलेबी है ना अच्छी तरह से शुगर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसी तरह से बाकी की जलेबी भी फ्राई कर लूँगी, और गर्मा गर्म ही इसे हम डायरेक्टली चाशनी में डालने वाले हैं।
गर्मा गर्म जलेबी मैंने गर्म गर्म चाशनी में डाली है और इसे हम ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं चाशनी में, सिर्फ 1 से आधे मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। फिर भी बहुत जूसी बनेगी। इसे हम निकाल लेंगे और अलग से प्लेट में रख देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी और जूसी जलेबी खाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नॉर्मस किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।